एमएसएक्सेस में है, आपको अपने डेटाबेस में टेबल कंडीशंस के बारे में बताया था, राइट? ठीक है, उससे पहले हम कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं जो कि हमने जंप कर दिया था, कुछ किए नहीं थे उससे आगे। तो जब भी आप ऑफिस स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने ये विंडो आता है, तो इसमें जो आपको ब्लैंक डेटाबेस होता है और आपके रिसेंटली ओपन डेटा होता है, इसमें दो चीज समझिए। पहली चीज कि आपकी जो बाकी जो टेम्पलेट होते हैं, बाकी जो आते हैं ट्रैकिंग असेस, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके टेम्पलेट्स होते हैं, ये आपके टेम्पलेट्स होते हैं। तो टेम्पलेट्स भी आप यूज कर सकते हैं, इसकी मदद से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस किस तरह की डेटाबेस क्रिएट की जा सकती है, या फिर मान लीजिए कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड आइडियाज के लिए, समझ गए? ओके। जैसे कि आप कस्टमर सर्विस में है और आप कॉल ट्रैकर लगाना चाहते हैं, कॉल ट्रैकर समझते हैं, जैसे मुझे हुआ तो किसी ने मुझे कॉल किया, मैं अगर मैं इसी की बात करूं कॉल ट्रैकर में, मुझे किसी ने कॉल किया तो मैं अपनी कॉल्स की पूरी डिटेल्स इसमें डालूंगा। ओके। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूंगा अपने हिसाब से, कस्टमर्स यहाँ पे कस्टमर्स की डिटेल्स है अपने आप से दिख जाएगा, एम्प्लॉय कॉल्स दिया हुआ, ये पूरी कॉलिंग का सिस्टम दिया हुआ है, उसका डिटेल लगा है। आपको एम्प्लॉय कॉल कर रहा है तो एम्प्लॉय कॉल का यहाँ पे डिटेल्स देगा, तो इससे रिलेटेड है कस्टमर सर्विस में है तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? ठीक। उससे पहले आप फॉर्म में चले जाए, इसमें ऑप्शन पे चले जाए, तो इसमें ऑप्शंस में एक तो आपका एप्लीकेशन का सेटिंग है, दूसरा करेंट डेटाबेस डेटाबेस टूल ना है उसकी सेटिंग, तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए, तो हमने बोल दिया है कॉल्स डेटा। अगर कोई आइकन्स आपने आपके पास में फोटो वगैरह है तो उसको आइकन, मेरे पास तो पिक्चर नहीं है कि मैंने जस्ट पीसी नया लिया, ये आइकन पिक्चर होना चाहिए, ठीक है सर? ये पिक्चर सपोर्ट नहीं करेगा, आई चीज देखा आपने ऊपर, अभी क्या हो गया कॉल्स देखा, इसमें जो डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह आता था वो हट गया। ये चीज आप ऑप्शन में यहां से कर सकते हैं, राइट? ठीक है। डिस्प्ले फॉर्म मतलब कि हमारे इसमें फॉर्म है, कस्टमर लिस्ट और भी कॉल लिस्ट बहुत सारे फॉर्म होंगे यहाँ पे, कॉल लिस्ट फॉर्म है। तो जब मैं डेटाबेस ओपन करूं तो सबसे पहले एक कॉल लिस्ट वाला फॉर्म आना चाहिए, ठीक है? ठीक है। तो यहां हम नई ऑप्शन पे आते हैं और इसके लिए चले जाते हैं हम किस पे, करेंट डेटाबेस में यहाँ डिस्प्ले फॉर्म, जो भी फॉर्म लिस्ट होंगे कीजिए यूजर फॉर्म, वही आपका डिस्प्ले हो, इसी डिस्प्ले और भी है डिस्प्ले स्टेटस बार, ये आपको टेबल डॉक्यूमेंट चाहिए, टैब डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर ओवरलैपिंग विंडो चाहिए, समझे कुछ मतलब में? जब आप मान लीजिए दो टेबल ऑन करेंगे तो ये दूसरा टेबल ये टैब के थ्रू आना चाहिए या इसी के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए? ओवरलैप हो जाएगा। हाँ मतलब कि ओवरलैप समझते ना, इसी जहां पे होता है ना इसी तरह ये ओवरलैप, टैब साइड में ये टैब हो गया, इसको टैब करो,
इसी तरह से इसमें सेटिंग्स है, तो आप एक बार सेटिंग्स को देख लीजिएगा। आप बोलेंगे सर सेटिंग के ऊपर आप पढ़ेंगे तो आप क्यों चेक करेंगे पहले शुरुआत में? ऐसा इसलिए कि जब भी हम नई चीज लेते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। जैसे आज ही एक नया मोबाइल ऑर्डर किया है, मेरे पास जो मोबाइल आएगा उसका स्क्रीनशॉट, इसका वॉलपेपर, इसका रिंगटोन मैं सेट करूंगा। ऐसे यहाँ पे डिफॉल्ट सेट्स है, तो इसमें जो आपकी काम की चीज है वो चीज आप। अब यहाँ पे दिखा नेविगेटर पेज दिखा है ना, यहाँ पे पेन कर सकते हैं या हटा सकते हैं या इसके ऑप्शंस पे जा सकते हैं क्या क्या लिखना चाहिए। मुझे कुछ चीजें नहीं दिखानी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे कॉल नेविगेशन में एम्प्लॉय वाले को ना खोजे और हम इसको ओके कर दें। आज हट गया सर, ठीक है। रिसीट को हाइड करते हैं, हम यहाँ भी हाइड कर सकते हैं, फिर वापस ला तो अलग अलग यहाँ पे चीजें हैं ला सकते हैं। ये सेटिंग्स है, ये हो गया हमारा करेंट डेटाबेस की सेटिंग। अब बात करते हैं डेटा शीट, जो हमारा डेटा शीट होता है उसकी जो सेटिंग ओरिजिनल वर्टिकल ग्रिड लाइन, सो ग्रिड लाइन समझते हैं जो ग्रिड लाइन आता है ना, ये लाइनिंग होती है, ये रखना है या शो करना है, शो करना है। डिफॉल्ट सॉर्ट इफेक्ट फ्लैट होना चाहिए, रेज होना चाहिए, अब स्ट्रंग होना चाहिए। फॉन्ट की साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट इसका विड्थ उसका नॉर्मल होना चाहिए, मीडियम या सॉलिड बोल्ड वगैरह होना चाहिए। डिफॉल्ट बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट क्या होना चाहिए ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायग्राम है, तो ऑब्जेक्ट के लिए होता है जब वो हम लोग डिजाइन करते हैं ना। प्रूफिंग में ऑटोमेट ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए ऐसे वर्ड है जो बार बार यूजर को लिखने पड़ते हैं, ओके, उसे डीएल बोला, डीएल बन जाए डेली उसका है। अब डेटा शीट फॉर्म पे जैसे मैं यहाँ पे डी एल लिखूंगा, स्पेस मारूंगा, ओके पूरा हो जाएगा डेल। इस तरह के शॉर्टकट क्रिएशंस आप जो है एक्सेल ऑप्शन में प्रूफिंग में जाके कर सकते हैं, राइट। अब इसमें आता है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट बना रखे हैं लेकिन दिक्कत हो रही है आपको, आप जाते हैं कुछ दिनों के लिए कुछ समय के लिए बिना ये सारे शॉर्टकट ना वर्क करें, यहाँ से हटा दीजिए, कर दीजिए, नहीं दीजिए, ठीक है, ठीक है। या फिर आप डिलीट करना चाहते हो तो पता ही है कि कोई वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, यहीं पे यहाँ पे आपको डीएल लिखोगे आ जाएगा, सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह में तो खास नहीं है, क्लाइंट सेटिंग वगैरह में ये सब तो फिर दिखाना चाहिए। हाँ, जैसे स्टेटस बार नहीं दिखाना चाहते, जो स्टेटस बार होता है हमें दिखाना चाहते हैं, बता सकते आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कस्टमाइज इवन में आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें वीबी आगे चले करोगे तो इसमें डेवलपर टैब होना चाहिए, कुछ और टैब होना ही होना चाहिए, ये चीजें ये टैब्स यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, कोई टैब नहीं होना चाहिए होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जो कमांड मेनू बार में नहीं होंगे, ऐसे ऑप्शंस के लिए ला सकते हैं। जैसे नॉट कमांड इन द रिमोट निकला है ना आपके यहाँ, ये सारे ऑप्शन ऐसे जो कि मेनू बार में नहीं है आपके, okay. किसी एक मेनू में ऐड कर लीजिए या फिर आप खुद के मेनू बार भी बना सकते हैं नीचे से, नहीं इस न्यू टैब, न्यू टैब, न्यू टैब में न्यू ग्रुप आ गया ना, इसमें मैं सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है,
मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क वाला ब्रेक हो रही है या रुक रुक के आ रही है? रुक रुक के आ रही है वॉइस, ब्रेक हो रही है। हाँ नहीं, एक होता है नेटवर्क में अजीब टूट टूट के आ रहा है। हाँ टूट टूट के आ रही है आपकी वॉइस, बीच बीच में स्किप हो रही है। मेरे यहाँ से सही है, पता नहीं शायद मेरे यहाँ से हो। मेरा स्पीड है ना सर, फर्स्ट क्लास स्पीड है सर। यहाँ से अपने नए इसको जो भी आप करना चाहते हैं नया ऑप्शन उसको आप एक्सेस टूल बार समझते क्या होता है कोई एक्सेस? यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको सर, जिसमें डिफॉल्ट सेव होता है, अनडो रीडो होता है। अगर आप और ऑप्शन बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है, जो आपको सुटेबल हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सपोर्ट स्प्रेडशीट, जैसे मैं इसको अल्ट करूंगा या फोर फोर से मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं। एडिंस होता है, एडिंस क्या होता है बता दो आप, होता है कि एक्स जो एडिंस होता है कुछ ऐसे बने हुए किसी और एप्लीकेशन से, मान लीजिए कि आपने vv.net या किसी और एप्लीकेशन से आप कुछ बनवा रहे हैं, ठीक है, तो उसको एडिंस के जरिए हम ऐड करते हैं। आप कॉम एक्सेस एडिंस पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए, इसमें नहीं है, यहाँ से आप ऐड टूल पर क्लिक लिखा सकते हैं, ठीक है सर। होता है कि दो फीचर्स होते हैं, एक तो होता है कि आपको मिल जाता है exe फाइल जो उसकी डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल करते हैं तो ये सब ऑटोमेटिकली वो ऐड, ठीक है, एक होता है एडिंस फाइल, एक्सेल में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एडिंस फाइल क्या होता है कि हमने कोडिंग बना के आपको भेज दिया, आपकी मर्जी है उसको ऐड कर दीजिए और उसको यूज कीजिए, जो हटाना है हटा दीजिए। तो सिंपल होता है, क्लिक एंड क्लिक होता है, ये ऑप्शन ऑप्शन होता है। आप एक बार क्या कीजिएगा, एक्सेस के ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, मैंने उतना ही चीज बताया जितना आपकी जरूरत थी, क्योंकि इसके अलावा और भी चीजें हैं तो जानने की जरूरत नहीं है। हाँ सॉरी, जनरल छोड़ दिया था हमने। जनरल में सबसे आता है क्रिएटिंग डेटाबेस, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसका वर्जन क्या होना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और डिफॉल्ट स्टोर क्या होना चाहिए, और उसके अंदर जो डेटा आएगा उसका शॉर्ट किस, ठीक है। उसके बाद उसकी ये है कि यूजर है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं इस पे, इसका ऑथर नेम पता चल जाता है ना किसने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप दे सकते हैं कि एक्सेल हेलो हेलो आवाज आ रही सर? हाँ हेलो, हाँ सर, सर आप एक काम करना, इसके बाद आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, आप इसको सुनना, मुझे लग रहा है आपके एंड से ही प्रॉब्लम हो रही है काफी, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके एंड से हो रही है, जब आप इसको सुनोगे तो आपको लगेगा उधर से प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। एक एक दिन क्योंकि लास्ट
क्लास इतनी बड़ी नहीं हुई तो मैंने डिस्क कहा मैंने अपना इंटरनेट चेंज कर लिया। अब सही है सर, अब ब्रेक हुई मेरी? अभी तो बेहतर है, अभी तो देखते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे अपना ऑथर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, किस लोकेशन में? ठीक है, मुझे एक बार अपना जो भी आपको चाहिए डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ, रिक्वायरमेंट है नंबर, वो कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे, ईमेल आईडी होगा। हेलो हेलो हेलो, मॉडम चेंज किया है सर, आवाज सही आ रही है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, डेटा टाइप के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट की। शॉर्ट टेक्स्ट हम चेक करते हैं जब फील्ड के अंदर में 255 तक का कैरेक्टर इंसर्ट करना हो। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट में कोई लिमिटेशंस नहीं है। नंबर नंबर लेना है जब हमारा इंटीजर है आपका। ठीक है, मतलब कि 32,000 समथिंग। लार्ज नंबर इसका मतलब कि उससे ज्यादा, 32,000 से ज्यादा लेना, उससे ज्यादा होगा। ठीक है, डेट एंड टाइम, डेट और टाइम के लेते हैं। करेंसी जिसपे हमें डॉलर का साइन लेना चाहिए, डॉलर का साइन जरूरी नहीं है। आपकी जो रीजनल सेटिंग होगी ना सर, उसके बाद यस एंड नो चेकबॉक्स देगा क्लिक करने के लिए, क्लिक किया तो यस दबाइए। ओएलई ऑब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, तो एडवांस हाई कोई वेबसाइट का लिंक जिस पे क्लिक करते हैं वेबसाइट ओपन हो जाए या कोई पाथ ओपन। ओके, अटैचमेंट किसी तरह का फाइल अगर अटैच कर दीजिए, फोटो वगैरह। ठीक है, और कैलकुलेटेड क्या होता है, हमने किया था कैलकुलेशन वगैरह करना, कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल। ठीक है सर, ठीक है। लुकअप विचार तुमने बताया था आपको कल लास्ट में। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए, लिस्ट बनाने, ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक बार दोबारा बताता हूँ, अब इसके भी अपने अपने ए है, जैसे कि आपने शॉर्ट टेक्स्ट लिया तो यहाँ पे फील्ड की साइज को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टेस्ट लेते हैं तो इसमें फील्ड की साइज फिट करने की जरूरत नहीं, इसकी कोई लिमिटेशन है नहीं, तो क्यों आया। ऐसे अगर नंबर लेते हैं तो यहाँ पे टाइप है कि आपका नंबर क्या होना, लॉन्ग इंटीजर सिंगल डबल क्या होगा। ठीक है, इसमें अगर आपने इंटीजर लिया लॉन्ग लिया आई थिंक कुछ करोड़ में आते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा होता है डबल, इसमें क्या सिंगल लॉन्ग इंटीजर आप डेसिमल नहीं ले सकते, डबल में डेसिमल ले सकते और डेसिमल में डेसिमल ले सकते। आपका यहाँ पे लार्ज नंबर में आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, फिक्स होता है उसका। टाइम में आते हैं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है इसकी लिमिटेशन की। करेंसी में आते हैं, यहाँ पे करेंसी का सिंबल। ओके,
अब यहाँ पे इंडियन है, यहाँ पे अपना टाइम जोन इंडियन लगा रखा है, सब बीच का आ रहा है, अदरवाइज आपका यूएस का होगा तो डॉलर आएगा। ठीक है, ऑर्डर नंबर तो फिक्स होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यस नो में आप यस नो के अलावा यस नो, ओके, ऑन ऑफ, ठीक है सर। ठीक है, इसके अलावा अगर नीचे बढ़ते हैं हाइपरलिंक पे, ये तो नॉर्मल है, जो कर सकती है बैच में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर आपको लुकअप विजार्ड में भी, आपको यहाँ पे लुकअप विजार्ड करने का ऑप्शन आ जाता है, और इसमें हम आगे सिंपल वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार रोहित जी क्या कीजिए आप, सॉरी अजीत अनीश अनीश जी, इन सबको एक बार ट्राई कीजिए आप। ठीक है, ठीक है, सेटिंग को देखिए और ये सारे को ट्राई कीजिए। कल हम आपको सबका एक एक एग्जांपल देंगे, लूप कब यूज करना है, इस कितना ही दिन से हमने शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया तो इसमें वैलिडेशन, इसके डिफॉल्ट वैल्यू और भी जो चीजें हैं उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मेरे आंसर दीजिए आपके आंसर। ठीक है।